ने इनको बनाया है, मतलब जो आपने इसमें कलर स्केच यूज की जो भी है, जो खर्चा आता है वो आपको डिपार्टमेंट से मिलता है खुद ही आप? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। ओके। उसके बाद हम मास्टर्स होते हैं एमएफए। रत्नावली का है ना ये, यहाँ पे इवेंट होता है रत्नावली करके, उसमें मैंने तो देखा बहुत अच्छा लग गया, एक बार पेंटिंग और दिखाया साथ में साहिल भाई आज। अंजलि जी, अगर कोई आपसे स्केच बनवाना चाहे तो वो बनवा सके क्या? बिल्कुल। तो ये मतलब रियल में कोई लड़की है या आपने इमेजिनरी बनाया है इसको? नहीं, ये मेरी एक यहाँ पे सीनियर होती थी। ऐसी है जो कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि जो अपना सिर हो है उसकी जगह पर 5 का सिक्का दे रखा है, क्या कारण है इसका? कितना बारीक एक एक काम, मतलब एक बारीक ब्रश से बनाया हुआ है ये काम सारा, ये मैंने कांगड़ा शैली को बनाया हुआ है। अंजलि जी का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो भाई सब ने राम राम, कैसे हो सारे? स्टडी की बात आप हर दिन चला वहाँ, उसके अलावा आज कुछ अटक है। आज आप आए हैं BFA डिपार्टमेंट KUK यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे एक इवेंट चल रहे हैं। जो देखो ये पीछे है, स्टार्टिंग में देखने लग गया है कि ये कोई फोटोग्राफ है, लेकिन यह एक पेंटिंग है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग लग रही हैं, उस साइड दिखा दे भाई एक बारी। तो यो इवेंट आज तक का ही है, और आज आप जिसने ये बनाए हैं, मतलब जो इन्हें होस्ट कर रहे हैं और जिसने अपने हाथों से इनको रचित किए हैं, उन तक बात करांगे। और BFA में एडमिशन किस प्रकार का होगा उसका बारे में बतावांगे। साहिल भाई अपने गले हैं, साहिल भाई क्या हाल है? भाई ये जो पेंटिंग इस साइड लग रही हैं सारी साहिल भाई ने बनाई हैं, इस साइड वाली, बाकी और भी आर्टिस्ट हैं। तो इनसे पूछा तो भाई मतलब कि जो इवेंट है मैं तो उसके बारे में बता दियो कि कब तक ये चला है, कितने दिन का हुआ है? एक्चुअली ये हमारी क्लास की एग्जीबिशन है। हाँ। और ये 3 डेज की होती है, तो ये 13 तारीख को चली थी और आज लास्ट डे है इसका। मतलब ये 3 दिन के लिए होती तीन है? दिन के लिए होती है। ओके, आप BFA में पढ़ते हो? हाँ, नहीं, MA। MFA मतलब? MA। ओके, तो इसका मतलब कि इसका मोटिव क्या होता है जो इवेंट कर रखा है आपने इसका? इससे ये होता है कि हर बच्चा काम कर रहा है, देखो डिपार्टमेंट में है ना, हर बच्चा काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, तो अगर हम ये एग्जीबिशन लगाएंगे तो इसी को जब लोग देख पाएंगे ना काम को, कि बच्चों के काम को तो लोग देख पाएंगे ना, तो अदरवाइज नहीं तो पता ही लगेगा कि कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है, तो इस करके ये एग्जीबिशन लगाई जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो भाई मैंने तो देखा बहुत अच्छा लग गया, एक बार पेंटिंग और दिखा दें साथ में साहिल भाई आज इस साइड में, और साथ में बताते रहो कि जो ये इस साइड देखो, पहले तो इस पर फोकस करो एक बार। एक सॉरी, मतलब एक पेंटिंग ऐसी है जो कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि जो अपना सिर हो है उसकी जगह पर 5 का सिक्का दे रखे है, क्या कारण है इसका? देखो डैट पेंटिंग इज कंसेप्शनल वर्क है ये, ठीक है ना, कंसेप्शनल इट द मीन्स कि मेरे को पता है इसका कंसेप्ट। वो ये था कि जब मैं छोटा था कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, है ना, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन 10th क्लास, तो डैट टाइम कि मुझे मेरे फादर कहते थे कि ये टोबाज का ब्लेड आता था उस टाइम की लेने के लिए मार्केट से, तो उसमें से जो 5 रुपये बचते थे ना वो मुझे खर्ची मिलती थी, वो यही 5 का सिक्का ही। क्या बात है भाई, साइन ऑफ हैप्पीनेस। जैसे कोई भी एक राइटर हुआ है, सिंगर हुआ है, तो वो अपनी फीलिंग गाने में बताते हैं, उसी प्रकार से इस भाई ने अपनी जो फीलिंग है वो इसके आर्ट में बता दी। हाँ, तो अगर दिखा दे भाई की सारी पेंटिंग तो काफ़ी अच्छी है भाई, इनमें टाइम कितना लग जाए बनाने में? देखो अगर बैठे रहो तो बन जाती है ये 1 दिन में, अगर पूरे फोकस से बनाया जाए, अगर छोड़े जाओ तो थोड़ा थोड़ा वर्क करते रहो, तो डिपेंड करता है हमारे पे। यो 1 दिन में भाई बना सका है, मेरे लगे जो नहीं, मैं तो 2 महीने लगा दूंगा और यह बनाए भी को नहीं, आगे बनाएगा। काफ़ी अच्छे हैं भाई, तो मतलब इनमें काफ़ी टाइम बताओ आप लग जाए हैं। और एक और बता दो बात है, किसी ने BFA में एडमिशन लेना है तो के कुछ करना पड़ेगा उसने? देखो आफ्टर 12th आजकल BFA का एंट्रेंस होता है हमारे डिपार्टमेंट में, बट आई डोंट नो अबाउट दिस कि एंट्रेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट अगर एंट्रेंस होता है तो वो देना पड़ता है, उसके बाद वो लिस्ट तैयार होती है। और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। ओके। उसके बाद हम मास्टर्स होते हैं MFA, वो 2 इयर्स होता है। ओके भाई, बाकी मैं अगर कोई इंक्वायरी है आपकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भाई का इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा। अच्छा एक बात और बताओ, इनका आपने रिवार्ड वगैरह मिला कुछ अभी बाद में? नहीं, अवार्ड तो नहीं मिलता, बट ये होता ही एग्जीबिशन इसलिए लगाई जाती है कि हर बच्चे का काम को दिखाया जाता है और किसका सेल हुआ है, वो सेल हुआ हमारे आगे इन फ्यूचर में हम कुछ भी करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका कोई वर्क सेल हुआ है, तो इस कारण ये एग्जीबिशन। बिल्कुल, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा लग गया बात करके। अब बात कर लें आप अंजलि से, जो यहाँ की ये जो 4 आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रखे है, तो अपने साथ में है अंजलि, इस साइड में आ जाओ अंजलि जी, इस साइड में आ जाओ, तो स्टार्ट कर ले आर्ट है। हेलो, कैसे हो? हेलो। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताओ, जैसे आपने पेंटिंग्स बनाई हैं, एक तो ये कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रही हैं। सर थोड़े पास में आ जाओ आप भी, ये देखो
सबसे फेवरेट मेरी ये वाली है। अच्छा, इसमें बनाने में टाइम कितना लग गया? देखो क्या होता है कि हम इसमें एक अलग अलग मीडियम होते हैं, ठीक है, जैसे कोई ऑयल से बनाता है, कोई पेंसिल से बनाता है। मैंने इसमें सॉफ्ट पेस्टल यूज़ किया है, ये सबसे फास्ट प्रोसेस है। अगर इसको हम बनाते हैं तो ये बनाते बनाते आप इसको छूने से तो खैर ये ख़राब हो जाता है, पर अगर आप इसको ऐसे झाड़ते ना वो गिरने लग जाता है कलर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोसेस इसको बोलते हैं, और ये मेरे को इसको बनाने में 3 घंटा लग जाता है, 3 से 4 घंटा लग जाता है एक पोर्ट्रेट को बनाने में। एक क्वेश्चन ही है कि जैसे आपने इनको बनाया है, मतलब जो आपने इसमें कलर स्केच यूज़ की, जो भी है, जो खर्चा आता है वो आपको डिपार्टमेंट से मिलता है या खुद ही आप उसको? नहीं, डिपार्टमेंट से हमें कुछ भी नहीं मिलता, डिपार्टमेंट को उल्टा हमें फीस पे करनी पड़ती है। बाकी डिपार्टमेंट से हमें सीखने को और हमारा एक्सपीरियंस है वो डिपार्टमेंट ही दे रहा है। बाकी ये सेल्फ होता है, अपना मटेरियल वगैरह सब खुद लाना पड़ता है आपको, और सीखने की कला है जो हमें डिपार्टमेंट से ही मिल रही है। तो इसके बारे में बताओ अंजलि कुछ, जैसे आपने ये बना रखी है पेंटिंग है, तो ये मतलब रियल में कोई लड़की है या आपने इमेजिनरी बनाया है इसको? नहीं, ये मेरी एक यहाँ पे सीनियर होती थी स्कल्पचर में, अंजुल नाम है इनका। क्या बात है। तो मैंने इनको बनाया था। हमारे यहाँ पे लाइव स्टडी करके एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम सामने मॉडल को बिठा के, तब लाइव बनाया है। हाँ, ये सामने बिठा के तो हम उनको पेंट करते हैं, तो जाके मैंने ये ऑयल कलर से बनाया। बहुत अच्छा लगा यार। आगे दिखाओ, थोड़ी सी पेंटिंग और है, ये शायद रत्नावली का है ना? ये यहाँ पे इवेंट होता है रत्नावली करके, उसमें ये इसकी परफॉर्मेंस थी इनकी, तो उसको बनाया है। शायद ये तो लाइव नहीं होगा ना? नहीं, ये मैंने, हाँ, ये तो लाइव पॉसिबल ही नहीं है ना। इसमें मैंने कुछ अपना खुद का रेफरेंस लिया है। इसमें क्या है कि हमारी जो हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हमारी हरियाणवी ड्रेस है, हमारा हरियाणा का जो डांस है, हरियाणा का डांस है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो मैंने उसको लेके ये पेंटिंग बनाई है, जो कि मतलब चीज़ें आजकल जो हरियाणा वाले हैं वो हरियाणा के बारे में इतना जानते ही नहीं कि हरियाणा का डांस क्या होता है। जो बच्चे कल्चर से जुड़े हुए हैं सिर्फ उनको पता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार से कल्चर ना प्रमोट करने के लिए भी आपका मोटिव रहा है। बिल्कुल, मेरा ये इसमें पेंटिंग को दिखाने का यही रहा है कि हम हरियाणवी कल्चर को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। और आगे वो दिखाओ जो ये बिल्कुल माइनरी वर्क कर रखे हैं, ये और दिखा दो, इनके बारे में मतलब क्या खास बातें हैं? ये इनको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। ये हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी हमारी कला होती थी मिनिएचर की, उनको लेके मैंने बनाया हुआ है। मैं इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, मुझे ऐसा डिटेल वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसमें देखेंगे कितना बारीक एक एक काम, मतलब एक बारीक ब्रश से बनाया हुआ है ये काम सारा। ये मैंने कांगड़ा शैली को बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये भाई मैंने फाइन आर्ट में 10th में शायद पढ़ा था कांगड़ा शैली, शायद दक्षिण में है ना ये अपने इंडिया के। और आप कल बता रहे थे कि इसमें आपने कौन सा ब्रश यूज़ किया है? इसमें मेरे को बिल्कुल एक एक बाल वाले जो ब्रश होते हैं ना, उसको मैंने यूज़ किया हुआ है। मतलब बहुत बारीक काम है। हाँ, इसमें बहुत टाइम लगता है आपको, और मेहनत तो देखो हर काम में होती है, पर ये सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि मिनिएचर करना बहुत टाइम टेकिंग काम है। अंजलि जी, अगर कोई आपसे स्केच बनवाना चाहे तो वो बनवा सके है क्या? बिल्कुल, आप मेरे से स्केच बनवा सकते हैं। स्केच क्या, मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ, और वैसे भी क्राफ्ट का काम है, इयररिंग्स वगैरह, हैंडमेड वगैरह, मूर्तियाँ सब मैं कमीशन वर्क करती हूँ। क्योंकि भाई देखो, जिस तरह बर्थडे पे आप गिफ्ट करा, सोचा के गिफ्ट करा अगले बंदे ने, तो उस पर वो है कि उसके बंदे का स्केच गिफ्ट कर दिया अपना, और उसके मतलब कि ठीक ठाक कॉस्ट कितने पड़ जाए अगर कोई बनवाना चाहे तो? देखो वैसे तो कला की कोई, हम कह सकते हैं कि सबका अलग अलग होता है। कोई अपने आर्ट को कम में, जिसको ज़रूरत है वो कम में करता है, ठीक है। और किसी, कोई ऐसे मानता है कि मैं अपनी कला को बेचूंगा ही नहीं, या फिर ऐसे अगर पोर्ट्रेट के लिए है, पोर्ट्रेट कमीशन सब बनवाते हैं, तो मेरा ऐसे ही 1000 से स्टार्ट होता है, 1000-2000 ऐसे ही नॉर्मल सा प्राइस रखा हुआ है। ओके, तो भाई ये चीज़ें लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव हो जाएं, जैसे अपना पोर्ट्रेट है, मतलब ख़राब तो नहीं होता वो बाद नहीं, में वो कभी आपके पास ख़राब नहीं होगा, वो लाइफ टाइम के लिए बन जाता है चीज़ें। और ये है कि हम कोई और चीज़ देते हैं, जैसे हम कुछ दे रहे हैं, शर्ट नॉर्मल हो गया, वॉच हो गया, ये सब आजकल नॉर्मल भी हो गया, पर कहीं ना कहीं वो ख़राब भी हो जाती हैं। और मेरा मानना ये है, हम किसी को कुछ आर्ट गिफ्ट कर रहे हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपके। एक लास्ट क्वेश्चन है आप, अंजलि जी,
के वो है कि बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिस तरह सिंपल अभी बी ए मान लिया, कोर्स सारे बढ़िया हैं, कोर्स में खोट को नया, लेकिन बालक बोलते हैं कि पढ़ाई तो होती है को नया, रुपये वेस्ट है। तो बी एफ एम है, आप बी एफ एम हो ना? नहीं, मैंने बीए और एमए किया हुआ। ठीक है, तो जो अपना डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट का, इसमें मतलब कि बड़ी ऐसी क्या हैं कहने का मतलब? बहुत। तो ठीक है भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एडमिशन ले इसको। हो अंजलि जी का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पोर्ट्रेट बनवा लो, कोई दिक्कत ना है। थैंक यू। अच्छा, और कोई भी है? ओके, तो यहाँ भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं देखने के लिए, शायद ये लोग सारे बी एफ ए से हैं। हाँ, ये। अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये इवेंट? बहुत अच्छा, बहुत सीखने को मिला। जैसे आप शायद फ्रेशर हो है ना, सभी लोग फर्स्ट ईयर में हो गए, सेकंड ईयर में, इसको अगर बंद कर लो तो जैसे आने वाले टाइम में आप भी बनाओगे ऐसा है ना, आपके नेक्स्ट ईयर इस साल में, तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको ये देख के, मतलब कैसा लगा टोटल मिला के? सबसे पहले तो दीदी ने बहुत कम टाइम में बनाया और बहुत रियलिस्टिक बनकर, तो एक बहुत बड़ी सीखने के लिए मिली है कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा काम किया। और दूसरी बात, दीदी को कलर्स और टोन्स के बारे में और मैशअप के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ये बहुत ही बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। हाँ, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं इससे नहीं, मेरी फील्ड अलग है, फिर भी अच्छा लगा मेरे को। आप तो इस फील्ड में हो तो आपको तो अच्छा लगना था ही। चलो, थैंक यू। एक मेन चीज़ और भाई, जो वहाँ तो एंट्री है और एंट्री के बिल्कुल सामने ही एक खास चीज़ है, एक मतलब कि मेरे को पता नहीं प्रॉपर क्या बोलते हैं इसको, लेकिन एक मैं तो इसको फोटो मूर्ति बोल दूंगा। ठीक है, अंजलि से पूछता हूँ कि जो मेन थीम है इसके बारे में बता दो, थोड़े पास में आ जाओ। ये एक इंस्टॉलेशन आर्ट होती है, ठीक है। मैंने मेरे काम में आपको देखने को मिलेगी कि सब में मैंने फीमेल को बनाया और कमल को बनाया, ठीक है। तो मैंने एक रिलेशन दिखाया कि सफ़ेद कपड़ा है जो वो शांति के लिए माना जाता है, ठीक है, शांति के लिए माना जाता है, और कहीं ना कहीं सफ़ेद सुंदर का भी प्रतीक है, हाँ, ब्यूटी का है, सुंदरता का है, और फीमेल को सबसे संसार की सबसे प्यारी अगर माना जा गया है, सबसे सुंदर क्रिएशन है, सबसे ब्यूटीफुल है, और कमल को हम माना देखा जाए तो कमल की तरफ हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मैंने उन दोनों की ब्यूटी का रिलेशन है जो उसको दिखाया है। तो अब इनको आप अपने घर पे लेके जाओगे आप फोटोग्राफ्स को, या यहीं पे रखोगे? नहीं, ये हम अपने पास ही रखते हैं। ओके ओके ओके।